लोगों की नजरों में महान बनने के लिए, खुद को बड़ा नेता साबित करने के लिए संजय राउत तमाम कोशिशें कर रहे हैं। पहले तो लगातार मुंबई के बड़े नेताओं से मिलते रहे, दिल्ली जाकर भी कई नेताओं से मिलने की कोशिश की, वहीं मीडिया से भी लगातार बातचीत कर रहे हैं ताकि किसी न किसी वजह से मीडिया की सुर्खियों में बने रहें। अब संजय राउत दिल्ली में हुए बेहद डरावने श्रद्धा मर्डर केस पर भी बोले हैं। सिर्फ बोले ही नहीं है बल्कि शिंदे सरकार पर जमकर भड़ास भी निकाली है। संजय राउत ने कहा कि श्रद्धा वॉकर मुंबई की बेटी थी, उसे इंसाफ दिलाने के बजाय महाराष्ट्र की सरकार खामोश बैठी है। अब राउत का इतना बोलना था कि लोगों ने उन्हें 2020 में जून के महीने में जो कुछ हुआ वो सब याद दिला दिया, जिसके बाद तो राउत की बोलती बंद हो गई। तो क्या श्रद्धा केस पर बोलकर राउत खुद की टीआरपी बढ़ाने की फिराक में हैं? और क्या राउत वो दिन भूल चुके हैं जब पावर में होते हुए भी मुंबई की बेटी दिशा सालियान को भुला दिया गया और बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ वो तो सबने देखा। तो श्रद्धा केस पर आखिर क्या बोले संजय राउत और क्यों अपनी करनी भूल गए, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में इसे लेकर अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो दिल्ली के श्रद्धा वॉकर हत्याकांड ने लोगों का दिल दहलाकर रख दिया। एक एक कर मामले की परतें खुलती जा रही हैं और जो जो सामने आ रहा है वो रूह कंपा देने वाला है, रोंगटे खड़े कर देने वाला है। मामले के आरोपी आफताब अमीन पूनेवाला को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और पुलिस की जांच बहुत ही शार्प तरीके से आगे भी बढ़ रही है। मगर यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी तक दिल्ली पुलिस के हाथ ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं लगा है जो कि आरोपी को दोषी साबित कर सके, क्योंकि कोर्ट तो सबूतों के आधार पर ही चलती है। इसीलिए आरोपी को गुनहगार साबित करने के लिए दिल्ली पुलिस जी तोड़ कोशिश कर रही है। अब ये तो आप सभी को पता होगा कि श्रद्धा वॉकर मुंबई में मलाड इलाके की रहने वाली थी और एक साल पहले ही आफताब अमीन पूनावाला के साथ दिल्ली में शिफ्ट हुई थी। अब केस को सामने आए लगभग 4 से 5 दिन हो चुके हैं, मगर अब जाकर शिवसेना नेता संजय राउत को याद आया है कि उन्हें भी श्रद्धा केस पर बोलना चाहिए। सूत्रों की माने तो इसीलिए संजय राउत ने आनंद फानन में गुरुवार की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और श्रद्धा वॉकर को लेकर अपनी बात रखी। अब राउत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्रद्धा वॉकर के साथ दिल्ली में जो भी हुआ वो पूरे महाराष्ट्र के लिए शर्म की बात है। वो मुंबई की बेटी थी, मलार की रहने वाली थी, इसीलिए श्रद्धा केस में हमारी भी कुछ ड्यूटी बनती है। राउत ने बेहद गुस्से वाले लहजे से बोलते हुए कहा कि सारा हिंदुस्तान देख रहा है, हर कोई श्रद्धा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, मगर यहाँ तो दिया तले अंधेरा है। महाराष्ट्र की सरकार ने अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया है। करना तो दूर की बात, हमारी बहरी और गूंगी सरकार ने अभी तक इस केस पर एक बार बयान तक जारी नहीं किया। संजय राउत ने आगे कहा, हम कैसे श्रद्धा के पिता से नजर मिला पाएंगे, कैसे उसके परिवार के सामने जा पाएंगे? जिस राज्य की सरकार को अपने ही लोगों की परेशानियों से मतलब नहीं है, ऐसी सरकार पर धिक्कार है। राउत ने आगे कहा, मैं एक मुंबईकर होने के हक से शिंदे सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि वो आखिर श्रद्धा केस पर चुप्पी साधकर क्यों बैठे हैं, मुंह सिलकर क्यों बैठे हैं? अब इस दौरान राउत ने और भी कई मामलों पर शिंदे सरकार को घेरा, मगर राउत का मेन मुद्दा श्रद्धा वॉकर केस ही रहा। राउत बार बार श्रद्धा को मुंबई की बेटी बता बता कर शिंदे सरकार को कोसते रहे। राउत ने कहा कि शिंदे सरकार को मुंबई पुलिस की एक जांच टीम को दिल्ली भेजना चाहिए और मामले में जो कुछ भी चल रहा है उस पर नजर बनाकर रखनी चाहिए। अब राउत सोच रहे होंगे कि वो इस तरह मौजूदा सरकार पर सवाल उठाकर जनता की नजरों में हीरो बन जाएंगे, मगर राउत का ये दाव उस वक्त उल्टा पड़ गया जब लोगों ने उनकी बोलती बंद कर दी और राउत को दिशा सालियान की याद दिला दी। जी हाँ, वही दिशा सालियान जो कि मलाड की ही रहने वाली थी, मुंबई की ही बेटी थी, मगर साल 2020 में जून के महीने में 8 तारीख को कथित तौर पर 14वें फ्लोर से गिर गई थी। इस केस की जांच अब तक चल रही है और उस वक्त शिवसेना की ही सरकार थी, मगर तब राउत या किसी भी शिवसेना के नेता ने दिशा सालियान को इंसाफ दिलाने की बात आज तक नहीं कही, बल्कि उसे आत्महत्या बताकर केस को रफा दफा करने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, फिर 14 जून 2020 को सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो हुआ उस पर भी शिवसेना की सरकार का दोहरा चेहरा दिखाई दिया था। यहाँ तक कि उद्धव ठाकरे की सरकार तो सीबीआई जांच तक के लिए तैयार नहीं थी।
उस वक्त से लेकर आज तक दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की केस की जांच अधर में लटकी हुई है। दोनों के साथ क्या हुआ था यह आज तक रहस्य बना हुआ है। 2.5 साल बीत चुके हैं मगर दोनों को आज तक इंसाफ नहीं मिला है, बल्कि उनके जाने के बाद उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश की गई थी, जो और भी ज्यादा दर्दनाक था। अब दिल्ली में जो श्रद्धा वॉकर के साथ हुआ है वो और भी गलत है, इंसानियत से परे है, जानवरों जैसा काम है, मगर इस मामले में राजनीतिक रोटियां सेकना बिल्कुल भी जायज नहीं है। संजय राउत जिस मौका परस्ती के साथ बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हें पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए। जब उनके पास सत्ता की चाबी थी, जब पूरी पावर थी, तो उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया, ये एक बार उन्हें भी जरूर सोचना चाहिए। श्रद्धा केस में राउत की बयानबाजी से आप कितना सहमत हैं? क्या दिल्ली पुलिस की सीमा में बंधे इस केस में मुंबई पुलिस को दखल देना चाहिए? राउत का इस मामले में शिंदे सरकार को घेरना कितना जायज है? ऐसे दर्दनाक मसलों पर भी राजनीतिक रोटियां सेकना कितना सही है? आप भी इसे लेकर अपनी बात अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो बाला साहब ठाकरे के परिवार में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में कभी नहीं बनी। उद्धव ठाकरे तो राजनीति में आना ही नहीं चाहते थे, वहीं राज ठाकरे मनी मन खुद को बाला साहब ठाकरे का सबसे लायक उत्तराधिकारी मानते थे। मगर बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद सब कुछ बदल गया। सत्ता की चाबी उद्धव के हाथ लग गई और राज ठाकरे की सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। शिवसेना से अलग होकर राज ठाकरे को अलग पार्टी भी बनानी पड़ी और तब से ही दोनों में कभी भी नहीं पटी। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख पसंद नहीं करते। दोनों को राजनीतिक भाषा में सियासी दुश्मन भी कहा जाता है। दोनों एक दूसरे का नाम तक लेना गवारा नहीं समझते। अब ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे गुट का सबसे बड़ा लीडर राज ठाकरे से सीक्रेट मीटिंग करने चले जाए तो उसके मायने क्या होने चाहिए? जी हाँ, उद्धव वाली शिवसेना के संजय राउत ने राज ठाकरे से मुलाकात की है और वो भी बिल्कुल सीक्रेट तरीके से। सूत्रों की माने तो दिल्ली से लौटकर यानी कि मुंबई पहुंचते ही संजय राउत सबसे पहले राज ठाकरे के आवास पर पहुंचे, जहां तकरीबन 1.5 से 2.5 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। अब इस खबर के बाहर आते ही हंगामा मच गया, खलबली मच गई और सबसे हैरानी की बात यह है कि जेल से बाहर आए संजय राउत लगातार मीडिया से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मगर राज ठाकरे के घर जाते और बाहर आते वक्त मीडिया से किसी भी तरह की बात नहीं की। संजय राउत ने मीडिया कर्मियों की तरफ देखा तक नहीं, बल्कि ऐसी कोशिश की गई कि किसी को इस मीटिंग की भनक भी न लग पाए। मुंबई सूत्रों की माने तो संजय राउत किसी काम के सिलसिले से दिल्ली गए थे और 15 नवंबर को दोपहर बाद वापस मुंबई लौट आए थे। अब मुंबई के एयरपोर्ट से संजय राउत सीधे राज ठाकरे के घर गए थे, जो कि मुंबई में शिवाजी पार्क के पास स्थित है। यहाँ आपको बता दें कि पिछले साल ही राज ठाकरे नए बंगले में शिफ्ट हुए हैं, जिसका नाम शिव तीर्थ है, जो कि उनके पुराने बंगले कृष्ण कुंज के बगल में ही है। अब मीडिया कर्मी अक्सर राज ठाकरे के बंगले के पास मौजूद रहते हैं। दरअसल मुंबई में ही नहीं, बल्कि मीडिया कर्मी अधिकतर बड़े बड़े राजनेताओं के आवास पर मौजूद रहते हैं, ताकि उनसे रोज के मुद्दों पर राय शुमारी की जा सके, उनका वर्जन लिया जा सके। इसी तरह शिवाजी पार्क में राज ठाकरे के बंगले शिव तीर्थ के पास भी मीडिया कर्मी मौजूद थे और किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी कि संजय राउत वहां पर आने वाले हैं। और सब ये देखकर हैरान रह गए कि शाम के करीब 3:30 बजे संजय राउत की गाड़ी राज ठाकरे के बंगले के बाहर आकर रुकी और राउत अकेले ही राज ठाकरे के बंगले के अंदर